नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। अशोक गहलोत को यूं ही जादूगर नहीं कहते, कोई तो नया जादू अब जनता को देखने को मिल ही सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या खास हो गया है जो इस बार अशोक गहलोत के आने जाने के बड़े चर्चे हुए हैं। गहलोत एक घाघ राजनीतिज्ञ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं, किसी को कानो कान खबर तक नहीं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा बड़ी तेज हो गई है। गहलोत पिछले एक माह से उदयपुर के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और उनके बयानों के मायने तो हैं ही, अब आने जाने के मायने भी निकाले जा रहे हैं। वो चौंका भी रहे हैं। अब तक पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के खेमे में सेंध लगा रहे सीएम मंगलवार को अचानक पता नहीं कैसे संघ के खेमे में घुस गए। वे आरएसएस के बेहद करीबी और जाने माने उद्योगपति अरविंद सिंगल के घर पहुंचे। इस घटनाक्रम में मेवाड़ के सियासी गलियारों में खलबली सी मचा दी। पुख्ता सूत्रों के मुताबिक सीएम गहलोत ने सिंगल से बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक मुलाकात की। हालांकि सीएम की सिंगल के घर हुई इस दस्तक को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। बता दें कि उद्योगपति अरविंद विहिप के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अशोक सिंगल के भतीजे हैं। दिवंगत अशोक सिंगल ने राम मंदिर निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था और इसके लिए उन्होंने कई बड़े आंदोलन भी किए। इनके नेतृत्व में ही अरविंद सिंगल ने 2 साल पहले राम मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए दिए थे। सीएम गहलोत ने अपने उदयपुर दौरों के दौरान सबसे पहले पूर्व डिप्टी सीएम पायलट के कट्टर समर्थक माने जाने वाले वल्लभ नगर विधायक स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शक्तावत के घर में सेंध लगाई। उनकी पत्नी प्रीति शक्तावत को उपचुनाव में टिकट दिया, वे विधायक बनी। हाल ही में प्रीति के घर को एक नया पावर सेंटर बना दिया। सीएम ने उनके घर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास, पूर्व सांसद और कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी मेंबर रघुवीर सिंह मीणा, प्रभारी मंत्री रामलाल जाट आदि के साथ लंच किया। हर मंच पर विधायक प्रीति उनके साथ जरूर दिखाई देती है और इसके बाद निवर्तमान देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला की बेटी की शादी में शिरकत की और इसके बाद उन्हें भी हर मंच पर बुलाकर सियासी गलियारों में सीधा संदेश दे दिया कि अब झाला भी उनके साथ हैं। टाउन हॉल में हुए महाराणा प्रताप जयंती समारोह में कालाजी गोराजी निवासी चित्तौड़गढ़ के कांग्रेस नेता हनुमंत सिंह बोहड़ा ने सीएम गहलोत को महाराणा प्रताप का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। अब हिरण मंगरी सेटेलाइट हॉस्पिटल परिसर में स्वर्गीय खेमराज कटारा की प्रतिमा का अनावरण कर उदयपुर ग्रामीण के कांग्रेस नेता विवेक कटारा और पूर्व विधायक सज्जन कटारा का दिल भी जीत लिया। हालांकि इन सभी नेताओं का यह कहना है कि अशोक गहलोत उनकी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं, जिनके साथ कई वर्षों से हैं। लेकिन कांग्रेस नेता दबी जुबान में यह भी बोल रहे हैं कि सीएम गहलोत ने उनकी सभी उचित मांगों को मानते हुए कई सौगातें देकर सियासी संजीवनी जरूर प्रदान की है।